सीरा भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सो पीपल, नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू अ वेरी न्यू लोकेशन जहाँ पर मैंने आज तक कभी नहीं ट्रैवल करा एंड मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आप देख सकते हो। एंड जस्ट यहाँ से मैं ट्रेन बोर्ड करने वाली हूँ इंडिया की एक बहुत ही बेहतरीन सिटी के लिए। सो वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके हो, येस वी आर गोइंग टू उज्जैन एंड इंदौर। उज्जैन इज़ फेमस फॉर महाकाल टेम्पल, वी ऑल नो दैट। सो येस वी आर गोइंग देयर, इंदौर एक्सप्लोर करेंगे, उज्जैन भी एक्सप्लोर करेंगे। आई एम टू मच एक्साइटेड। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत भी नेक्स्ट देरी के। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तक नहीं किया तो। एंड लेट्स बिगिन। सो वैसे तो आपको इंदौर और उज्जैन दोनों के लिए ही दिल्ली से बहुत ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ पर रात की जर्नी है, पूरी ओवरनाइट की। एंड आई थिंक मैं आपको इंदौर पहुँच के मिलूँगी अब सीधा, जब होटल में चेक इन करेंगे। सो यहाँ पर सीधा ओवरनाइट की दिल्ली से ट्रेन पकड़कर मैं पहुँच गई इंदौर। एंड यहाँ पे आपको ट्रेन्स एंड फ्लाइट की भी कोई कमी नहीं है, आपको यहाँ एयरपोर्ट भी मिलेगा तो आप फ्लाइट लेकर भी आ सकते हो। सो या एंड अब सीधा मिलते हैं होटल में। दिस इज़ अनदर मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंदौर। सो एज यू कैन सी कि मैं अपने होटल में चेक इन कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ इंदौर में। एंड अभी का प्लान है टू गो टू उज्जैन डायरेक्टली। बट बिफोर दैट मैं इस दिन की शुरुआत करूँ यहाँ पे एक्सप्लोर करने की, आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंदौर में मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ। एंड यहाँ पे इंदौर में मेरा लाइक स्टे बुक करने का यही रीज़न था क्योंकि उज्जैन एक तो बहुत पास पड़ता है एंड उज्जैन में होटल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर मुझे इंदौर भी एक्सप्लोर करना था। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि अपना स्टे इंदौर में बुक करते हैं एंड यहीं से उज्जैन को एक्सप्लोर कर लेंगे। सो यहाँ से उज्जैन कुछ 50 किलोमीटर्स है, कुछ एक से डेढ़ घंटे की यहाँ पे राइड है। तो अभी मैं निकल रही हूँ, आफ्टरनून का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खा कर जस्ट मैं सीधा निकलूँगी उज्जैन के लिए बिकॉज आज ही महाकाल के दर्शन करने हैं। और उससे पहले जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इंदौर में कहाँ स्टे कर रही हूँ। बिगेन वहाँ से पहले एंट्री ली थी एंड देन दिस इज माय रूम, दिस इज माई बेडरूम एंड देन यहाँ पे है वॉशरूम। And we have jacuzzi also in the washroom and this is a living area, you can say यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, just see this, देख रहे हो ये सारी यही प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। यहाँ इनका स्विमिंग पूल है एंड बहुत ही मस्त है एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम माय रूम। एसेंशिया स्टे स्पॉन्सर्ड, मैं होस्ट, लेकिन उन्होंने होस्ट किया है मुझे यहाँ पर एंड आई एम सो ग्लैड, सो थैंकफुल एंड सो फार माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। और चेक इन भी इन्होंने एक घंटा पहले दे दिया, चेक इन टाइम होता है 2 बजे। यहाँ पे 12:30 पहुँच गई थी एंड देन सीधा चेक इन करके यहाँ पर फ्रेश होकर फटाफट रेडी होते हैं, निकलते हैं उज्जैन के लिए। ये वाला सिंस लाइक कह लो कि लग्जरी कैटेगरी है, सबसे प्रीमियम वाला, तो इसका कुछ 10 to 12,000 पर नाइट कॉस्ट करता है। बट यहाँ पे जो इनकी रूम कैटेगरीज है वो स्टार्ट हो जाती है 5,000 से। तो आपको यहाँ पे 5,000 फॉर 2 पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आराम से मिल जाएगा। यू कैन चेक देयर वेबसाइट एज वेल, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड आई एम सो ग्लैड टू बी होस्टेड बाई एसेंशिया एंड आई एम सो थैंकफुल। सो या एंड दिस इज़ द सीन विद दिस, यहाँ पर मैं रह रही हूँ अकेले एंड आई फील लाइक क्वीन, जस्ट किडिंग। अब निकलते हैं उज्जैन बिकॉज आई हैव नो आइडिया कितना वहाँ पे क्राउड होने वाला है और कितना टाइम लगेगा, पूरी रात हो जाएगी, नो आइडिया, नो क्ल्यू अबाउट इट कि किस तरह दर्शन होंगे। एंड आज है सैटरडे एंड वीकेंड पे यूजली यहाँ पे क्राउड रहता है, देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं, शुरू करते हैं। और जर्नी
की शुरुआत कर दी है। एंड मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर से उज्जैन कैसे ट्रैवल कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने स्कूटी रेंट पे ली है एंड यहाँ पर स्कूटी बहुत ही ईजिली मिल जाती है रेंट पर्पज़ के लिए। कुछ 400 रुपीज़ मैंने दिए पर डे का एंड पेट्रोल डेफिनेटली एक्स्ट्रा एंड मतलब जितनी भी जर्नी है हम इस तरह कवर करेंगे। एंड प्लस मतलब करने को तो आप कैब भी कर सकते हो बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्राउड होता है, तो फिर वहाँ पे उज्जैन में जाके डेफिनेटली आसपास एरिया एक्सप्लोर करने में मुश्किल होती है। तो आई थिंक यहाँ पर आकर बेस्ट वे यही है कि आप स्कूटी रेंट पे ले लो एंड फिर अपना एक्सप्लोर करो मस्त। बाकी अभी जस्ट ऑन द वे हूँ एंड बीच में मैं यहाँ पर रुकी हूँ एक बहुत ही फेमस फूड जॉइंट पे विच इज़ चारपाई द ढाबा। ये देख सकते हो चारपाई द ढाबा। तो सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह क्या, इनफैक्ट मैंने कल शाम का कुछ नहीं खाया हुआ एंड आई एम रियली हंग्री एंड यू वोंट बिलीव अभी टाइम क्या हो रहा है। टाइम इज़ 3:16 राइट नाउ एंड इट्स बीन मोर देन 22 आवर्स मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है। बहुत भूख लगी है, पहले खा लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चारपाई ढाबा। बेसिकली ये जो जगह है ये आपको इंदौर उज्जैन हाईवे पर मिलेगी और बहुत ही फेमस है। मैं सोचा यहीं पे कर लेते हैं लंच। ऑलमोस्ट कुछ 2 घंटे ड्राइव करके पहली लोकेशन पे हम आ चुके हैं एंड थक गई मैं ड्राइव करके। लिटिल मेरी हालत देख सकते हो, पूरे मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं। प्लस यहाँ पे गर्मी बहुत है। बट एनीवे मैं सबसे पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ मंगलनाथ मंदिर में जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो उज्जैन में महाकाल टेम्पल के अलावा देर आर सम अदर प्लेस सो दैट यू कैन विजिट। तो मैंने सोचा कि पहले इनको एक्सप्लोर करते चलते हैं फिर महाकाल टेम्पल सीधा जाएंगे। तो यहाँ पर है मंगलनाथ मंदिर। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो यहाँ पर भी ज़रूर आपको विजिट करना है। चलते हैं अंदर, दिखाती हूँ मैं आपको, दर्शन करते हैं। उज्जैन के फेमस टेम्पल्स में से एक है मंगलनाथ मंदिर और दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। यूजुअली यहाँ पे बहुत क्राउड होता है बट थैंकफुली अभी इवनिंग का टाइम है। देखो 5 बज गए और अभी भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो हाँ 5 बज गए एंड इवनिंग के टाइम यहाँ पर एक तो मौसम भी बहुत बेटर हो गया पहले से एंड रश भी कम है, क्राउड भी नहीं है। डेफिनेटली बोला जाता है कि यहाँ पर जो भी विश मांगते हो पूरी होती है। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पर कहते हैं कि शनि की पूजा भी बहुत की जाती है, जिनकी कुंडली में शनि का कुछ जो भी है होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मैं यहाँ पर बोलूँ। दूर दूर से लोग पूजा करवाने के लिए आते हैं। तो चलो मैं लाइन में लगती हूँ। मंदिर मैं अब आ चुकी हूँ यहाँ पर भैरव के मंदिर। यहाँ पर ये देखो, दिस इज़ भैरव मंदिर एंड दिस टेम्पल इज़ जस्ट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मंगलनाथ। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो। अगेन यहाँ की बहुत मान्यता है। प्लस यहाँ पर कहते हैं कि प्रसाद में दारू चढ़ाई जाती है, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। एंड प्लस अगेन बहुत मान्यता है कि यहाँ पर आपकी हर तमन्ना पूरी होती है। तो देख सकते हो ये है मंदिर। सो पहली बार मैंने किसी मंदिर के अंदर एक अल्कोहल की शॉप देखी पूरे इंडिया में अब तक मैंने जितना भी ट्रैवल करा है एंड दिस वाज रियली यूनिक। पहले मैंने कोई ऐसा टेंपल विजिट नहीं किया जहाँ पे सिर्फ दारू चढ़ाई जा रही हो खरीद के स्पेशल वहीं से, तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा। सो इसके बाद सिंस आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम मैं सीधा भागती हूँ रामघाट बिकॉज वहाँ पर हो रही है इवनिंग आरती एंड घाट की आरती कौन मिस करेगा। आई मीन मुझे बहुत पसंद है। टाइम है देखो 6 बज रहे शाम के एंड यहाँ पर रामघाट पर
उज्जैन में आरती होती है जो कि ज़रूर देखनी बनती है। एंड अभी 6 ही बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि महाकाल टेम्पल इसके बाद जाते हैं एंड यहाँ पर आरती इंजॉय करते हैं। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हूँ, 6:15 बजे कुछ यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी, पूरी प्रिपरेशन चल रही है। एंड मुझे यहाँ पे देख के, रामघाट को देख कर, ऋषिकेश की याद आ गई। ऋषिकेश कह लो, हरिद्वार कह लो, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इवन काशी विश्वनाथ ऑल्सो, वहाँ की भी याद आ गई मेरे को। बनारस में भी सेम यहाँ पर देख सकते हो, सेम ऐसा घाट होता है एंड आरती चल रही होती है। हियर इट इज रामघाट ऑफ उज्जैन, आरती की प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। सो रामघाट पर आरती देखने के बाद मैं सीधा भागती हूँ यहाँ पर एक और मंदिर जो कि है हरसिद्धि माता मंदिर। एंड यहाँ पर ये लैम्प्स को ऐसे लाइट करते हैं, तो ये दो बड़े बड़े एक स्टोन पिलर्स है जहाँ पर इतने सारे ऐसे दियों को लाइट किया जाता है। एंड ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ है अपनी आँखों से देखने के लिए, आप भी देखिए। मंदिर में वो जो हमने देखा आरती, इस तरह की आरती मैंने कभी नहीं देखी, जिस तरह दिए जला रहे थे ऊपर तक जाकर। एंड ये सब मैंने आज तक वीडियोस में देखा था, सो आज पहली बार देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। नाउ फाइनली टाइम बताती हूँ, टाइम इज 7:23 राइट नाउ, ऑलमोस्ट 7:30। एंड अब फाइनली जा रहे हैं महाकाल टेम्पल, महाकाल के दर्शन करने के लिए। पूरा दिन चला गया, अभी भी मेरे को 1-2 घंटे लग जाएंगे, आराम से 9 बज जाएंगे, बट अब तक का एक्सपीरियंस सो फार इट इज़ सो गुड। और बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ लेकिन फिर भी एनर्जी है डेफिनेटली, एंड महाकाल टेम्पल मेन था तो यहाँ जा रहे हैं। फाइनली दिस इज द टाइम। अभी आई थिंक आरती हो रही है, शाम की संध्या आरती, तो दर्शन अभी रोके हुए हैं। एंड अभी अपना सामान क्लॉक बुक भी सबमिट कर रही हूँ, फोन आई थिंक अलाउड है, डॉक्टर वगैरह भी सबमिट कर रही हूँ, क्लॉक बुक नहीं मिल जाएगी आपको शाम में। तो जहाँ तक मैं कैमरास लेकर जा सकती थी वहाँ तक मैंने रिकॉर्डिंग करी एंड मेरे दर्शन बहुत ही प्यारे हुए थे गाइस। एंड 2 घंटे खड़ा होना पड़ा बिकॉज पीक टाइम में गए थे हम रात के टाइम, तो 2 घंटे की वेटिंग लाइन थी, बट वो पता भी नहीं लगा कब वो टाइम बीत गया। एंड बहुत प्यारे दर्शन हुए। एंड इसके बाद इस मंदिर में बाहर ही महाकाल लोक है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है रात के टाइम, बिकॉज ऑफकोर्स लाइट्स वगैरह सब ऑन होती है, तो अब वो इंजॉय करते हैं और दर्शन तो बहुत 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 प्यारे हुए। एंड बाय द वे ये हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, तो एक और ज्योतिर्लिंगा मैंने विजिट कर लिया, सो आई एम सो 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 हैप्पी। जब भी आप उज्जैन प्लान करेंगे अपना ट्रिप, अगर यहाँ पे आना चाहते हो, महाकाल के दर्शन करना चाहते हो, तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है, अभी रात का टाइम है और लाइट रौनक हर जगह आप यही देखने को मिल रहा है, तो
टायर्ड तो जरूर हूँ बट बहुत ही एक अच्छी फीलिंग दी है, एक रिलैक्स फीलिंग दी है एट द सेम टाइम एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी सो ब्लेस्ड बहुत बहुत प्यारे मिशन में। तो करती हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया है, पसंद आया तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तक नहीं किया तो, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।